राहुल गांधी की बैठक हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित 14 राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद विपक्षी पार्टी के सांसदों ने साइकिल मार्च भी निकाला है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया है। संसद न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है, यह प्रधानमंत्री ने कहा है बीजेपी संसदीय दल की बैठक में। इधर राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों को बुलाया है, वहां पर बैठक हुई है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करते हुए कहा है कि संसद न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुन लेते। हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए, तो इसीलिए सभी पार्टी के नेता लोग आए थे राहुल जी के रिक्वेस्ट पर, और उन्होंने ये तय किया कि पेगासस इश्यू चलाना चाहिए और दूसरा इश्यू भी जो है वो भी करेंगे। तो कांग्रेस और सपा सहित कुल 14 विपक्षी दल राहुल गांधी के द्वारा आहूत बैठक में शामिल हुए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला, कहा संसद न चलने देना लोकतंत्र का अपमान। सीधा दिल्ली चलते हैं अविनाश तिवारी के पास और उनसे जानते हैं कि आज इन बैठकों में क्या हुआ। और सबसे पहले राहुल गांधी की बैठक की बात करते हैं। अविनाश शाह, कौन से विपक्षी दल पहुंचे इस बैठक में, कौन से नेता पहुंचे, कितनी देर की यह बैठक हुई, बड़ी बातें क्या हुई इस बैठक में? देखिए राजेंद्र, तकरीबन एक घंटे ये बैठक चली है। कांग्रेस के अलावा 14 दलों के नेता यहाँ पे पहुंचे, जिनमें मुख्य तौर पे अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, वहीं अगर बात करें तो डीएमके से सांसद उनकी कनी मोझी, और एनसीपी से अगर बात करें तो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे जो एक बड़ी रणनीति बनी है कि सदन के अंदर किस तरीके से सरकार के खिलाफ विपक्ष का रवैया होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से फेगासीज के मुद्दे को लगातार विपक्ष उठा रहा है, आज भी ये रणनीति बनी कि जब तक सरकार फेगासीज को लेकर जवाब नहीं देती है तब तक विपक्ष पीछे नहीं हटने वाला, सरकार से हर कदम पर जवाब मांगा जाएगा, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। यह एक महत्वपूर्ण रणनीति बनी है। इसके साथ साथ महंगाई को लेकर भी आज चर्चा की गई है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जनता के मुद्दों को अब तमाम तरह जो विपक्ष के दल हैं वो एक साथ मिलकर उठाएंगे। और यही कारण है फिर उसके बाद यह तय हुआ कि महंगाई के विरोध में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर संसद भवन तक के जो तमाम सारे सांसद आए हुए यहां पे थे, जो तमाम सारे पार्टियों के दल के नेता यहां पे आए हुए थे, उन्होंने यह तय किया कि यहां से विरोध स्वरूप साइकिल मार्च करते हुए संसद भवन तक जाएंगे। और उसके बाद राहुल गांधी समेत तमाम सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने यहां से साइकिल के द्वारा संसद भवन तक का सफर तय किया। तो यह एक संदेश है सरकार के खिलाफ कि तमाम सारे जो विपक्ष के नेता हैं अब वो सवाल पूछेंगे सरकार से, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो। जहां तक बात रही तमाम सारे जो सरकार के जो नुमाइंदे और सरकार के जो तमाम सारे मंत्री, वो लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि सरकार जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रही चाहिए, जिससे कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा ना हो सके, जिससे कि कोरोना के मुद्दे पर चर्चा ना हो सके, और जिससे कि जो तमाम सारे जरूरी मुद्दे खासतौर से फेगासीज जैसे जो जासूसी किया गया उसके मुद्दे पर चर्चा ना हो सके। यही कारण है कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही। तो सरकार विपक्षी दलों पे आरोप लगा रही है और विपक्षी दल सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, और यही कारण है कि संसद चल नहीं पा रही। और पिछले दो हफ्ते से संसद न चलने की वजह से 133 करोड़ रुपए जनता का स्वाहा हो गया है, पूरी तरीके से खराब हो गया है, एक भी कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन सरकार और विपक्ष की जो रणनीति है वो यही है कि एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप रूप चल रहे हैं, लेकिन समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी कई सारे विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव लगा रखा है, वो मांग की हुए आज भी कि संसद के अंदर फेगासीज के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आज भी पूरे हंगामे के आसार है संसद के अंदर, क्योंकि विपक्ष ने यह तय कर रखा है कि जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, जब तक सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी, तब तक सरकार से संसद के अंदर सवाल पूछते रहेंगे विपक्ष के तमाम सारे सांसद। और यही कारण है कि पिछले दो हफ्ते की कार्यवाही पूरी तरीके से स्थगित हुई है संसद भवन के अंदर, कल भी कार्यवाही स्थगित हुई है और आज एक बार फिर से संसद भवन के अंदर पूरी तरीके से हंगामे के आसार है। बीएसपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में शामिल हुआ कि नहीं हुआ अविनाश? बीएसपी से कोई आया कि नहीं आया? देखिए बीएसपी से कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश से 3 महत्वपूर्ण दल है अगर बात करें तो, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं उनमें अगर बात करें तो सपा है, कांग्रेस तो थी यहाँ पे, और बसपा है और आम आदमी पार्टी है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो कांग्रेस सपा जरूर एक साथ नजर आई, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं शामिल हुआ। पहले ये सूचना थी कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं पहुंचे, और बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी कोई यहाँ नहीं पहुंचा, चूंकि बहुजन समाज पार्टी की अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी है, जिस तरीके से वो पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ
सहयोग में चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर वो अकेले चुनाव लड़ रही है, उत्तराखंड के अंदर भी उसने चुनाव लड़ने के लिए कहा है, तो लिहाजा वो कांग्रेस के साथ कहीं भी खड़ी होती हुई नहीं दिखना चाहती है। और यही कारण है कि जहां कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए नजर आती है, बसपा वहां पे नहीं होती, बसपा अपना अकेले रह के तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल ठीक है आपने अविनाश, बसपा के अपने राजनीतिक समीकरण है, बसपा की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बड़ा कारण जो आपने बताया वो उसके पीछे है जिस वजह से आज वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका।